गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो क्लास प्रोवाइडेड बाय एमडीएन स्कूल कलायत फॉर क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2nd पॉलिनोमियल। आपने कल पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, क्या होती है पॉलिनोमियल, जो क्या होती है आपके पास जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट क्या होता है, कोई वेरिएबल, मतलब उस वेरिएबल एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, पावर उसकी होल नंबर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, तो वो आपके पास क्या होती है पॉलीनोमियल। तो और हमने क्या पढ़ा था, उसके टर्म्स के बारे में पढ़ा था। टर्म्स अगर टू टर्म्स, वन टर्म्स होती है तो मोनोमियल, टू टर्म्स हो तो बाइनोमियल, और थ्री टर्म्स हो तो क्या होती है ट्राइनोमियल। आज हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री के बारे में। कल हमने टर्म के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है, क्या है हाईएस्ट पावर, जो आपके पास वेरिएबल होती है ना उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलीनोमियल। पहले तो सबसे पहले वो पॉलीनोमियल होनी चाहिए, उसके बाद क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होएगी वो क्या होएगी, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। तो जैसे देखिए आपके पास एग्जांपल देखे हैं हमने, 3x² + 4x + 2। अब इसमें देखिए पॉलीनोमियल है ये आपके पास, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 0, तो यानी वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंट होल नंबर है, तो यानी ये पॉलीनोमियल है। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। अब हाईएस्ट क्या है आपके पास, सबसे बड़ी क्या है इसमें पावर 2, तो यानी डिग्री क्या होगी है 2। डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज, डिग्री इज 2। समझ में आ गया है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ, x + 4x³ + 3x³। अब ये क्या है पॉलीनोमियल है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, यहाँ पे 1 है वेरिएबल की, और यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे क्या है 3, तो हाईएस्ट कितनी है 4, तो डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास, डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 4। समझ में आ गया है। अगर मैं इसी टर्म में पूछती हूँ आपके पास ये कौन सी है, आपके पास मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो उसके लिए आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ टर्म। अब इसमें टर्म कितनी है 1, 2, 3, एक ये री, एक ये है, एक ये, तो 3 है, तो ये क्या है आपके पास ट्राइनोमियल। ठीक है, अब देखिए ट्राइनोमियल हो गया, और ये इसमें भी नंबर ऑफ टर्म क्या है 3, तो ये भी क्या है ट्राइनोमियल, लेकिन डिग्री क्या है इसकी 4। ठीक है, अब देखिए पॉलीनोमियल विद डिग्री 1, ऐसी पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1, तो वो आपके पास क्या होती है लीनियर पॉलीनोमियल, क्या होती है लीनियर पॉलीनोमियल। जैसे एग्जांपल देखिए मैंने कह दिया है 4x + 3, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास 4x + 3, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर क्या है आपके पास 1, तो यानी सबसे बड़ी कोई और पावर तो आपको दिख ही नहीं रही है, तो यही है हाईएस्ट, तो इसकी डिग्री क्या है 1। जैसे ही डिग्री 1 आ गई है तो ये आपके पास क्या होगी है लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, अब ऐसे ही पॉलीनोमियल विद डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या होती है 2, तो वो क्या होती है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जैसे देखिए मैंने कह दिया है 4x² + 2x + 3, अब यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या है, इस वाले में क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 0, तो हाईएस्ट क्या है आपके पास 2 है, तो यानी इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होगी है 2, तो पॉलीनोमियल विद डिग्री 2 वो क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो ये आपके पास कौन सी पॉलीनोमियल है क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही आपको कहा जाता है पॉलिनोमियल विद डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 3 हो, तो वो क्या होती है आपके पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखिए, 3x² + x³ + 3x। अब इसमें क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ या पावर ऑफ वेरिएबल। वैसे तो ये भी है 2 भी है वेरिएबल की पावर, लेकिन हाईएस्ट क्या है, 3 है, तो यानी डिग्री क्या होगी इसकी, 3 हो गई है, तो यानी ये क्या हो गया आपके पास, क्यूबिक पॉलीनोमियल। पता लग गया है आपको, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर होता है, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 हो तो वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। लेकिन क्यूबिक और ये इसमें आप पजल नहीं हो जाएंगे, जब नंबर ऑफ टर्म 1 हो तो वो मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म 2 हो तो आपके पास होता है बाइनोमियल, और जब नंबर ऑफ टर्म 3 हो तब होता है ट्राइनोमियल। लेकिन यहाँ पे किसकी बात करी गई है, डिग्री की। समझ में आ गया है। अब आपको पता होना चाहिए आपके पास दो तरह की पॉलिनोमियल और होती है, कौन सी, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल और एक जीरो पॉलिनोमियल। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल और एक होती है आपके पास जीरो पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ये होता है ना आपके पास कॉन्स्टेंट, और वेरिएबल की पावर क्या होती है आपके पास, होल नंबर, ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। लेकिन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, क्या होनी चाहिए, ओनली ज़ीरो, होल नंबर में ज़ीरो भी तो आता है ना हमारे पास, तो यानी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। जैसे मैंने कह दिया 5 × x⁻⁰, या मैंने कह दिया 6 × x⁻⁰, या −1 × y⁻⁰। तो किसी की भी पावर 0 आपके पास क्या होता है, 1, तो ये क्या हो गया आपके पास 1, तो यानी 5 × 1 यानी 5, किसी की पावर 0 1 यानी 6, यानी ये −1, यानी अगर आपके पास अकेली यही टर्म दिखती हैं तो ये आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया है, क्या है ये, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास, वैसे तो यही होती है आपके पास कॉन्स्टेंट और वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर, तो ये हमारे पास क्या होती है, पॉलिनोमियल। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी जो आपके पास कॉन्स्टेंट है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो, और वेरिएबल की पावर आपका क्या होता है, होल नंबर, ठीक है। तो यानी जब ये कॉन्स्टेंट क्या होए, ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है आपके पास, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए आपके पास, होल नंबर। होल नंबर आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 ये मल्टीप्लाई एक्स की पावर हमारे पास क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया, या फिर 0 एक्स की पावर 2, 3, 4, कुछ भी हम तो ये इसको लिख सकते हैं ना, तो यानी यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए, 0, तो वो आपके पास क्या होती है, 0 पॉलिनोमियल। समझ में आ गया है। अब डिग्री की बात करी जाए तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होएगी, यहाँ पे हमने देखा हर जगह जो वेरिएबल की पावर क्या है, 0, तो डिग्री क्या हो गया आपके पास, 0, तो यानी डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, और डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल की क्या होएगी, ये तो ज़ीरो हो ही गया, क्योंकि इस ज़ीरो के किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 1 से कर दो, या एक्स की पावर 2 से कर दो, एक्स की पावर 3 से कर दो, किसी से भी कर दो, तो वो तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो पॉलिनोमियल बन ही रही है, तो यानी यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे ना, तो यानी इन्फाइनाइट है, तो यानी नॉट डिफाइंड, तो डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये आप ध्यान रखना, ये आपका मल्टीपल चॉइस में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, 0, और 0 पॉलिनोमियल की क्या होती है, नॉट डिफाइंड। एक जैसे हमें टर्म है, मान लीजिए ये है 5x + 3,
अब मैंने इसको कह दिया अभी आपके पास x का कोफिशियंट क्या है, जो भी x के आगे वाली टर्म है वो इसका क्या होएगी कोफिशियंट, मींस जो कांस्टेंट होता है। जब भी आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हो ना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो जो ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये क्या होता है आपके पास कोफिशियंट, क्या होता है कोफिशियंट। समझ में आ गया है, पता लग गया है। अब देखिए आपका एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज में अब आपका कुछ नहीं है, यही सारा कुछ बताया हुआ है। फर्स्ट सम में देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, कौन सी एक्सप्रेशन आपके पास क्या है पॉलिनोमियल। अब ये सारी आपको एक्सप्रेशन तो दिख रही हैं लेकिन हमें इनमें से ये बताने हैं भी कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, और इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, और कौन सी नहीं है। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, वन वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अब इसमें क्या है, इसकी पावर 2 होल नंबर है, ये भी क्या है होल नंबर, यहाँ पे भी क्या है होल नंबर, तो वन वेरिएबल में भी है और क्या है ये पॉलिनोमियल, तो क्या लिखोगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब सेकंड में देखिए यहाँ पे क्या है y की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर क्या लिख दे, y की पावर क्या लिख दे 0, तो यानी ये भी वन वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है y। अब इस पे मत जाना कभी आप, क्या तो इसकी पावर वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए आपके पास होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो यानी क्या हो जाएगी पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे क्या है वेरिएबल, आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स में बताया गया था ना वेरिएबल्स होते हैं, क्या है ये टी, तो टी की पावर कितनी है, स्केयर रूट को आप क्या लिखते हो 1/2, तो यानी 3t की पावर 1/2 प्लस रूट 2, तो क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं, तो यानी ये क्या हो जाएगी नॉट पॉलीनोमियल, लेकिन ये एक्सप्रेशन है आपके पास लेकिन पॉलीनोमियल नहीं है। अब ऐसे ही इसमें देखिए y को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी -1, तो यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये देखिए ये बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है, x की पावर 10 होल नंबर है, y की पावर 3 होल नंबर है, t की पावर 50 होल नंबर है, पावर तो हमारे पास क्या है होल नंबर है लेकिन वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं आपके पास 3, मीन्स पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल है लेकिन इसके अंदर वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं 3, ठीक है, समझ में आ गया है पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, समझ में आ गया है। आज के लिए आज का इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।